बिलासपुर के सामाजिक कोतवाली थाने में असामाजिक तत्वों के जवाबड़े की शिकायत मिलने पर विधायक शैलेश पांडे आधी रात को थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने लॉकडाउन में पुलिस के एक वॉलंटियर एसपीओ के द्वारा लोगों से बदसलूकी किए जाने के मामले पर भी सवाल उठाए। हालांकि विधायक के सवालों पर सीएसपी का कहना था कि थाने में सामाजिक तत्वों के जमावड़े की जानकारी गलत थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सियासत कितनी गर्माती है या मामला यहीं शांत हो जाता है। मैं इसके कारण शिकायतों के कारण जो हुआ चेक करने आया हूँ, या कोई वाकई में शिकायत सही है कि नहीं सही है, तभी मैं टीआई साहब सी एस पी साहब से पूछूंगा इस बारे में। इसके अतिरिक्त पुलिस थाना जो है वो भी बहुत पुराना हो चुका है, तो पुलिस थाने के अंदर का भी देखा किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है कुछ, क्योंकि बहुत पुराना थाना है और जो क्वार्टर पुराने हैं उनके उन्होंने 10 लाख दिया मरम्मत करने की बात है। तो वो राशि का कहाँ उपयोग करेंगे, थाने के जीर्णोद्धार के लिए करेंगे या फिर यहाँ बनाने के लिए? नहीं नहीं, जो मकान है और थाने के जीर्णोद्धार के लिए दोनों। शैलेंद्र पाठक जो गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या पूरा मामला है? शिकायत विधायक को मिल रही थी, उसके बाद विधायक ने दौरा किया कि थाने में ही असमर्थ रहते हैं और लगातार लोगों की शिकायत है। कुछ एसपीओ की भी शिकायत थी कि एसपीओ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं और लोगों को जो पुलिस ने जो कोरोना के काल में एक वॉलंटियर बनाया है जिसको एसपीओ नाम दिया है बिलासपुर पुलिस ने, ये एसपीओ पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन कई बार उनकी भी शिकायत खुद विधायक ने ये भी कहा कि उनको तक रोका गया एक जगह, उनसे तक एसपीओ से बदतमीजी की। तो ये तमाम मामले हैं जिसको लेकर के वो अचानक रात में पहुंच गए, लेकिन जिले के कप्तान बता रहे हैं कि इस तरह की असामाजिक तत्वों वाली तो कोई बात नहीं है। ये आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ बिलासपुर से विधायक है शैलेश पांडे जी जुड़ गए हैं। पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, असामाजिक तत्वों की जानकारी मिलने पर आप कोतवाली पहुंचे हुए थे, क्या पूरा घटनाक्रम था? नहीं, मैं एक सामान्य विजिट करने गया था थाने में जी। और चूंकि मुझे कुछ जानकारी मिल रही थी कि इस प्रकार के किस असामाजिक तत्व जो है वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं रात को, तो उस बात को मैंने वहाँ पर जाके पूछताछ भी करी और फिर वहाँ पर मुझे सीएसपी और टीआई साहब जो उन्होंने बोला कि नहीं, इस प्रकार का कोई यहाँ पर गतिविधि नहीं रहती है। फिर भी मैंने उनको सचेत किया कि ऐसे आगे शहर में अमन शांति बनी रहे, इसको लेकर पुलिस विभाग जो है और भी अलर्ट हो। बिल्कुल शैलेश जी, क्योंकि आप एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं और आपकी संवेदनशीलता भी देखने को वक्त वक्त पर मिलती है, और क्योंकि जर्जर स्थिति में जब आपने जब थाने को देखा कई चीजें मेंटेन नहीं थी, तो आपने 10 लाख रुपए का चेक भी काट के दे दिया कि भाई चीजों को व्यवस्थित किया जाए। जी बिल्कुल, मैंने वहाँ घोषणा करी है 10 लाख रुपए देने की, क्योंकि वहाँ पर 50 पुलिस परिवार भी रहते हैं और वो बहुत पुराने समय से उनके मकान बने हुए थे और उनकी महिलाओं से जो परिवार रह रहे थे उनके परिवार वालों से मैंने मुलाकात करी और उनसे उनका जो दुख था समस्या थी उसको साझा किया और फिर उसमें उन्होंने बताया, तो उसके कारण फिर मैंने वहाँ पर उनके मकानों की मरम्मत के लिए मैंने उनसे 10 लाख रुपए की घोषणा करी जो मैंने दे दिया। शायद इसलिए आप सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधायक भी हैं और लोग जनता के दिलों में आप बसते हैं और आपकी संवेदनशीलता पांडे जी हमेशा देखने को भी मिलती है। यहाँ पे शैलेश जी, एक बेहद ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि पुलिस वालों को एक दिन का अवकाश दिए जाने की भी घोषणा की गई थी, बीच में मिलने भी लगा था लेकिन कोरोना काल में ये चीज भी बंद हो गई। तो अब ऐसे वक्त में, क्योंकि संकट का समय है पूरे देश के लिए प्रदेश के लिए, तो अब इस स्थिति में अब इनका और ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए आप लोग और क्या कुछ आप लोगों मतलब लाइनअप करने वाले हैं? देखिए, हमारी सरकार जब आई थी तो उन्होंने पुलिस विभाग के सभी लोगों को एक दिन का अवकाश घोषित किया था, क्योंकि कोरोना समय में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जगह अच्छे काम किए और उस वक्त उनकी जरूरत भी ज्यादा थी। तो मैं अपनी सरकार से जरूर दरख्वास्त करूंगा कि जो पुलिसकर्मी जिस प्रकार से काम किए हैं, एक्स्ट्रा काम किए हैं, उसका उनको इंसेंटिव जरूर मिलना चाहिए, उसको मैं विधानसभा में जरूर रखूंगा बात को। बिल्कुल, कोई संदेश आप स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप अपनी श्वेति की जनता को और सभी तमाम प्रदेश की जनता को देना चाहें? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो कि लॉकडाउन किया जाता है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, उसका पूरा पालन किया जाए और कहीं भी भीड़ न इकट्ठी की जाए और पुलिस और प्रशासन को सहयोग करें। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।